दोस्तों, इस वर्ष की सबसे दुखद घटनाओं में से एक हाथरस कांड को माना जाएगा और हाथरस एक्सीडेंट में सभी नेताओं के रिएक्शन आ चुके हैं। सभी लोग इसको दुखद बता रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी हाथरस पहुंचे, हाथरस के उस गांव में पहुंचे और उन सभी पीड़ितों से मिले, उनसे बात की और शासन प्रशासन की गलती ठहराते हुए उन्होंने बीजेपी पर, सत्ता पक्ष पर काफ़ी निशाना साधा। राहुल गांधी की बातों को जवाब देते हुए बेबी रानी मौर्य, जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मेंबर हैं और बीजेपी की नेता हैं और उत्तराखंड में गवर्नर भी रह चुकी हैं 2018 में, उनका बयान सामने आया है। आइए देखिए ये वीडियो। देखिए, हाथरस में जो हादसा हुआ है और जो लोग दिवंगत हो गए हैं उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हूँ कि ये हादसा हुआ। अच्छा, इसमें जो है 123 लोग मरे, उसमें कैसी जांच क्या करते हैं? उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एक रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी है, वही जांच करेगी और जो उस जांच में निकल के आएगा तो कानूनी कार्रवाई होगी इस पर। आज सुबह राहुल गांधी गांव गए, वहां परिवार से बोला है कि आप टेंशन लो, मैं हूं, उसमें क्या कहते हैं? देखिए, वो तो खाली राजनीति करने गए हैं, उन्हें किसी से कोई संवेदना नहीं है। वो केवल अपनी ये दिखाने गए हैं कि मैं हूं का क्या मतलब है। सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी गए, तुरंत घटना स्थल पर भी गए, राहत राशि भी उन्होंने दी और उसके बाद हम जनप्रतिनिधियों को भी अलग अलग जिलों में भेजा। आगरा जिले में मैं गई, मीनाक्षी सिंह हमारी विधायक है वो भी गई बुलंदशहर में, ऐसे अन्य जिलों में भी गए जहां जो पीड़ित है हमारे, जो इस हादसे के कारण। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसका संज्ञान लेके स्वयं तो गए ही, हम सबको भी उन्होंने कहा कि इनकी दवाई दारू ठीक हो जाए, ये ठीक होके अपने घर जाएं। तो सबसे ज्यादा कार्य तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही किया है। राहुल गांधी झूठी राजनीति शुरू हो गई, इसमें काफी नुकसान हो रहा है देश का, इस तरह से देखा जाए तो छवि धूमिल हो रही है। अब राहुल गांधी के लिए तो क्या कहना, वो उनको यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री हमारे इतने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए कार्य कर रहे हैं जो उन्हें शायद अच्छे नहीं लग रहे, और अपनी हार की खीज मिटाने के लिए वो कोई भी बयान दे देते हैं। अग्नि भी उन्होंने बोला कि पैसे नहीं मिलेगी, जो पीड़ित लोग बोल रहे हैं कि हमें पैसे मिले। पीड़ित लोगों की चिंता तो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अग्निवीर के राहुल गांधी बोलते हैं कि पैसे नहीं देते हैं। नहीं जी, देखिए, अभी किसी टीवी चैनल के माध्यम से एक परिवार ने बताया, बच्चे अग्निवीर के माता पिता ने बताया कि हमें 1,10,00,000 रुपए समर्थन मिले हैं और ये इनका झूठा बयान है कि पैसे नहीं देते। हम सलाम करते हैं उन्हें, उनको नमन करते हैं कि वो देश के लिए सरहदों पे जाते हैं और इस देश की रक्षा करते हैं। जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं बाबाओं के, इसमें ऐसा कैसे लगाम होनी चाहिए? नहीं लगती। हाँ, इतना बड़ा आयोजन होता है तो कुछ तो सब इसके बारे में सरकार और शासन को सोचना ही होगा कि हम इसकी अनुमति दें कि नहीं दें। और इतने बड़े बड़े आयोजन मैं कहती हूँ नहीं होने चाहिए, जहाँ जन धन की हानि हो, जान माल की हानि हो, तो ऐसे आयोजन नहीं होने चाहिए।